आज का आपका टॉपिक है राउल्ट लॉ अथवा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब किसी अवाष्पशील सॉल्यूट को घोला जाता है किसी लिक्विड में, तब जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, कम होता है। जो वेपर प्रेशर होता है उस विलयन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन किससे कम हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के वेपर प्रेशर से विलयन का वेपर प्रेशर कम होता है। राउल्ट मेड ए रिलेशनशिप बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसी को देखते हुए राउल्ट ने क्या किया, एक संबंध स्थापित किया किसके बीच, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच एक संबंध स्थापित किया। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाई डिजॉल्विंग एन टू मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब हम समझ सकते हैं, एक सॉल्यूशन बनाना है बाय डिजॉल्विंग घोल कर एन टू मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेंगे, उसका कितना मोल लेंगे, एन टू मोल। इन एन वन मोल ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट, इसको किसमें घोलेंगे, एन वन मोल ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट में घोलेंगे। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी डिटरमाइंड एज, तब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या मानते हैं, एक्स वन बराबर एन वन अपान एन वन प्लस एन टू। ऐसे ही सेम किसका माना जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स टू, ये सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूट का हो गया, एन टू अपान एन वन प्लस एन टू। सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल हैज निगलिजिबल वेपर प्रेशर, ये कैसा जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है, इसमें निगलिजिबल वेपर प्रेशर होगा, मतलब ना के बराबर वेपर प्रेशर होगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है विलयन का वह समान होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर समान होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में भी रिप्रेजेंटेड एज, जो वेपर प्रेशर होता है उस विलायक का उसको प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे, पी वन बराबर यक्स वन पी वन जीरो। पी वन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यक्स वन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी वन नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अगर बाइनरी सॉल्यूशन हो तो यक्स वन प्लस यक्स टू बराबर क्या हमको पता है, वन होता है, तो यक्स वन बराबर वन माइनस यक्स टू हो जाएगा। तो पी वन बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस यक्स टू ब्रेकेट में पी वन नॉट हो जाएगा। पी वन अपान पी वन नॉट इधर आ गया, पी वन अपान पी वन नॉट बराबर वन माइनस यक्स टू हो।
एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस पी वन अपान पी वन नॉट हो जाएगा। तो एक्स टू बराबर फिर लिख सकते हैं पी वन नॉट माइनस पी वन अपान पी वन नॉट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिली, जो ये वाली वैल्यू देख रहे हैं पी वन नॉट माइनस पी वन, ये क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बता रहा है, और पी वन नॉट क्या है। अब ये क्या हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बता रहा है, और ये एक पूरा कंप्लीट बता रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर आगे नाउ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नोन एज राउल्ट लॉ। अब कह सकते हैं जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन का सापेक्ष लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वह समान होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो अवाष्पशील विलेय है उसका मोल फ्रैक्शन इस सापेक्ष लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के समान होता है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो क्या होते हैं उस विलयन में उपस्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं। मतलब राउल्ट ने यही बताया था पी वन नॉट माइनस पी वन बराबर एक्स टू होता है, तो पी वन नॉट माइनस पी वन अपान पी वन नॉट बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन हो जाए। पी वन नॉट माइनस पी वन अपान पी वन नॉट बराबर एन की वैल्यू डब्ल्यू अपान एन, डब्ल्यू अपान एम अपान डब्ल्यू अपान एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी इग्नोर्ड। अगर सॉल्यूशन क्या हो बहुत ही डाइल्यूट हो तो जो सॉल्यूट की मात्रा होगी उस सॉल्यूशन में उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो डब्ल्यू अपान एम क्या है, ये ना के बराबर है इसकी अपेक्षा, ये ज़्यादा है ये कम हो गया, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी वन नॉट माइनस पी वन अपान पी वन नॉट बराबर डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान एम, इसको शॉर्ट करेंगे तो बराबर डब्ल्यू अपान एम इंटू एम अपान डब्ल्यू हो जाएगा। ये आपका फार्मूला निकल के राउल्ट ला के लिए।